पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर पहुंचे, यहां वह एक जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका परिषद के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनसभा का आयोजन पुआया नगरपालिका क्षेत्र में हुआ, जिसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, सांसद और एमएलसी समेत भाजपा के विधायक शामिल हुए। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी जन सहयोग मिल रहा है। लोग पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत विपक्षियों के लिए करारा जवाब होगी। वहीं भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी भी सरकार की योजनाओं को जमीन पर लाने का वादा कर रहे हैं। जीत दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं भारी उत्साह है और सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैं विभिन्न जगहों पे होके खुद ही आ रहा हूँ, चारों तरफ एक ही आवाज निकल रही है। और आप देखिएगा, 8 साल 9 साल में प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है देश में, और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल, पूरी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। अब माने ना माने, असलियत तो सबके सामने है। आप देखिएगा कि परिणाम आएंगे सभी सीटों पे भारतीय जनता। अब माने ना माने, असलियत तो सबके सामने है। आप देखिएगा कि परिणाम आएंगे सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ठीक, थैंक यू सर। ऐसे में जनता से क्या वादा करेंगे? अभी हम लोगों का 10 साल का कार्यकाल, जनता ने हमें यहाँ का सेवा चुना, तो हमने जनता के बीच रह के जनता के सब सुख दुख का उनका सहयोग किया है। और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया, यहाँ पहली बार कमल खिलेगा। आप प्रचंड बहुमत से जितने वोट पड़ेंगे, 90% वोट जनता कमल के फूल पे देगी। और ये संदेश पूरे जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा कि यहाँ की जनता ने कमल खिलाया, वो भी 90% वोट देके, सबका हमारे नेतृत्व का सम्मान। विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन अभी और विकास की जरूरत भी है। आज विकास के लिए हमारे जो प्रतिद्वंदी रहा करते थे, जो चुनाव हमसे जिनका हुआ करता था, आज वो हमारे बड़े भाई मेरे साथ हैं। अब मुझे उम्मीद है सारा नेतृत्व, चाहे माननीय विधायक जी हों, सांसद जी हों और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हों, जिलाध्यक्ष जी हों, सारे लोग मेरे साथ हैं। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जनपद में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है नगर पालिका में होगा, ऐसा मुझे विश्वास। थैंक यू सो मच। थैंक यू।